गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर विद एडवांस इंग्लिश लेसन 14। दीज आर द फ्रेजल वर्ब विथ देयर हिंदी मीनिंग एंड यूज इन सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज टेक बैक। टेक बैक मतलब वापस ले जाना। द शॉपकीपर रिफ्यूज टू टेक बैक द ऑलरेडी सोल्ड गुड्स। जो वापस लेने के लिए दुकानदार ने मना कर दिया जो पहले सामान बिक चुका था। सो दिस इज द यूज ऑफ टेक बैक इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज टेक डाउन। टेक डाउन मतलब लिखना या उतार कर लेना। द रिपोर्टर्स टुक डाउन द स्पीच। रिपोर्टर ने जो भाषण था, स्पीच थी, उसको लिख लिया या उतार लिया। सो दिस इज द यूज ऑफ टेक डाउन इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब ही उतारना। जैसे ही टुक ऑफ हैट व्हेन ही एंटर्ड द हाउस। जब उसने घर में प्रवेश किया तो जो अपना हैट था, टोप था, वो उसको उतार लिया। सो दिस इज द यूज ऑफ टेक ऑफ। नेक्स्ट वन इज टेक आउट। टेक आउट मतलब ही निकालना। जैसे द स्टूडेंट टुक आउट अ प्रोसेशन। प्रोसेशन मतलब जुलूस। छात्रों ने जुलूस निकाला। सो दिस इज द यूज ऑफ टेक आउट इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज टेक अप। टेक अप मतलब उठना, समय या जगह लेना। जैसे टेक अप योर पेन एंड राइट ए लेटर। अपना एक पेन उठाओ और एक पत्र लिखो। सो दिस इज द यूज ऑफ टेक अप इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज टेक ओवर। टेक ओवर मतलब नियंत्रण या स्वामित्व को अपने अधीन लेना। जैसे व्हेन मिस्टर गुप्ता रिटायर्स। जब मिस्टर गुप्ता रिटायर होते होंगे, हिज सन विल टेक ओवर अ बिजनेस। उनका बेटा उनके बिजनेस को संभालेगा या अपने नियंत्रण में ले लेगा या अपने अधीन में ले लेगा। सो दिस इज द यूज ऑफ टेक ओवर इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज टेल अप। खराब असर डालना या थकाना। ऑल द हार्ड वर्क इज टेलिंग अप। जितना भी मेहनत का काम है वो थकान डालता है, थकाता है या उस पर असर डालता है। सो दिस इज द यूज ऑफ टेल अप इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज थिंक ओवर। थिंक ओवर मतलब किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले विषय पर सोचना। प्लीज थिंक ओवर व्हाट आई हैव सेड। जो कुछ भी मैंने कहा है उस बारे पर, उस पर निर्णय पर पहुंचने से पहले कुछ सोचो, उस पर सोचना। सो दिस इज द यूज ऑफ थिंक ओवर इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज थिंक अबाउट। थिंक अबाउट मतलब विचार करना, विशेषकर किसी योजना पर, और देखना कि यह उचित है या संभव है। प्लीज थिंक अबाउट द प्रपोजल। कृपया मैंने जो प्रस्ताव दिया है उसके बारे में सोचना। एंड लेट मी हैव योर व्यूज टुमारो। और इस बारे में आपके क्या विचार हैं कल मुझे बताना। सो दिस इज द यूज ऑफ थिंक अबाउट इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज थिंक आउट। थिंक आउट मतलब सावधानी पूर्वक सोचना और तब कोई योजना बनाना। इट्स सीम्स टू बी अ वेल थॉट आउट स्कीम। ये लगती है कि बहुत अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक सोची हुई कोई योजना है। सो दिस इज द यूज ऑफ थिंक आउट इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज थ्रो अवे। थ्रो अवे मतलब फेंक देना। थ्रो अवे द ओल्ड शूज, नो बडी वुड वियर देम नाउ। पुराने शूज को फेंक दो, कोई भी अब इन शूज को नहीं पहनेगा। सो दिस इज द यूज ऑफ थ्रो अवे इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज टच अपॉन। टच अपॉन मतलब जिक्र करना लेकिन विवेचना नहीं करना। इन कोर्स ऑफ हिज एड्रेस मिस्टर गांधी टच्ड अपॉन मैनी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। अपने भाषण के दौरान मिस्टर गांधी ने कई समस्याओं का जिक्र तो किया लेकिन उनकी विवेचना नहीं की। सो दिस इज द यूज ऑफ टच अपॉन इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज ट्राई आउट। ट्राई आउट मतलब जांचना। वी वॉन्ट नो हाउ द प्लान वर्क टिल वी हैव ट्राइड इट आउट। हम ये नहीं जान पाएंगे कि कोई भी प्लान कैसे काम करता है जब तक हम इसको जांचेंगे नहीं। सो दिस इज द यूज ऑफ ट्राई आउट इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज टर्न डाउन। टर्न डाउन मतलब स्वीकार ना करना। हिज एप्लीकेशन फॉर लीव वॉज टर्न डाउन। उसकी एप्लीकेशन जो थी छुट्टी के लिए स्वीकार नहीं की गई। सो दिस इज द यूज ऑफ टर्न डाउन इन सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज टर्न इंटू मतलब बन जाना या परिणत करना। वाटर टर्न्स इंटू वेपर। पानी जो है वो भाप बन जाता है। व्हेन ही ग्रीव अप ही, दूसरा सेंटेंस है, व्हेन ही ग्रीव अप ही टर्न इंटू अ क्रिमिनल। जब वह बड़ा हुआ तो एक क्रिमिनल बन गया या क्रिमिनल में परिणित हो गया। सो दीज आर द फ्रेजल वर्ब्स विद देयर हिंदी मीनिंग्स एंड यूज इन सेंटेंसेस। सो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करिए,
लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल के लिए आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास तक इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।